नमस्कार। मैं डॉक्टर मनदीप सिंह, मैं डायरेक्टर फाइनेंस हूँ हरियाणा सर्कल के लिए। हमारा जो ये कैंप है, मेडिकल कैंप है, इसमें हमारा जो प्रयत्न है कि यहाँ पे जो वीकर सेक्शन है अम्बाला के आसपास गांव में, झुग्गी झोंपड़ियों में, और छोटे वर्कर जो हैं उनको एक हेल्थ के लिए कॉन्शियस करना है। इसमें हमने सिविल हॉस्पिटल अम्बाला, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर अम्बाला, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली, और आपका आदेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल डेराबसी, हीलिंग टच हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दे रहे हैं, जो उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस कैंप में हमारे पास आइस का, ऑर्थो का, ईएनटी का, जनरल मेडिसिन, कार्डियो का, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सभी पद्धति का इलाज के बारे में वो रिकमेंड करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो अच्छी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, सन फार्मा है, मेयर है, मैनकाइंड है, उन लोगों ने अश्योर करा है और वो प्रेजेंट भी हैं, वो सभी पेशेंट्स को 2 हफ्ते के लिए जो है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। साथ में वो सप्लीमेंट जैसे मल्टी विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बिना जो हमारे टेस्ट हैं, ईसीजी है, ईईजी है, और उसके बिना हम आपके ब्लड टेस्ट वगैरह वो भी कंडक्ट करे जा रहे हैं। हमारे जो टेस्ट के लिए हमारे जो पार्टनर हैं मदान पैथला बम्बाला से हैं, वो जो सिंपल टेस्ट है ऑन द स्पॉट वाले, उसकी रिपोर्टिंग अभी कर देंगे। बट उन्होंने हमारे साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करा है। कितने लोगों का चेकअप का टारगेट रखा? हमारा चेक टारगेट है 6 आवर्स में हम 1000+ को टच करेंगे, और हमने एग्जैक्टली इसको 10 बजे शुरू करा था, अब 12 बज चुके हैं। अभी तक हम 280 पेशेंट चेक कर चुके हैं। पहले भी कभी इस तरह के कैंप लगाए गए? अब इस ऑफिस में पहली बार लगाया है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग की, कि हम ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें सारे ऑफिसर्स जो हैं इसमें अपनी भागीदार निभाएं, क्योंकि अगर स्वस्थ भारत है तो स्वच्छ भारत है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कितने समय के गैप में लगाया जाएगा? ये कोशिश करेंगे कि हम क्वार्टरली इसको लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अम्बाला में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वो 10 से 12 ऑफिसर्स हैं। तो ऐसी कोशिश की जाएगी कि हर महीने में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इस कैंप जो को कैंप में पेशेंट आ रहे हैं वो सारे एम्प्लॉई है या कोई बाहर के? उसमें हमारा जो 80% पेशेंट है वो बाहर से है, क्योंकि 20 जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज हैं, सभी जो है वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए कवर है। उनको ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। कोई आपने ऐड वगैरह की थी या कैसे पता हमने लगा? हमने एक तो न्यूज़पेपर में ऐड दी, उसके बाद उसके अलावा हमने अम्बाला के जो आसपास का जो रूरल एरिया था, जो थोड़ा सा वीकर सेक्शन वाला एरिया था, उसको 20 सेक्टर में डिवाइड कर दिया था। पिछले 4 दिन से हर सेक्टर में मेरा एक गस्टर्ड ऑफिसर काम कर रहा था। उन्होंने लिस्ट बना के लोगों को प्रचार करके कि आप बताइए आपको क्या समस्या है, उनकी लिस्ट बना के, लिस्ट रेडी हो गई थी, उस लिस्ट के हिसाब से ही हमने डिफरेंट डॉक्टर्स को इनवाइट करा है। और हमने वॉलंटियर्स जो हमारे हैं, हमारे इसमें पार्टनर है लायंस क्लब अम्बाला है, उन्होंने हमें इसमें 10 व्हीकल प्रोवाइड करे हुए हैं इनोवा। उसमें है कि लोगों को लाया भी जा रहा है और वापस भी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि धूप का समय है, गर्मी का मौसम है, कैसे लोग आएंगे, इसके लिए भी हमने वो अरेंजमेंट करा हुआ है। हार्ट पेशेंट होता है या कार्डियोलॉजी पेशेंट है तो उसके इलाज के लिए जो है आप ही सारा प्रोवाइड करोगे या उसको अपने खर्चे में करना होगा? उसमें ये जो है, अगर कोई कार्डियो पेशेंट निकलता है, कार्डियो टेस्ट होगा, ईसीजी के बाद अगर कुछ ऐसा निकलता है, उसके लिए आदेश हॉस्पिटल ने हमें अश्योर करा है कि अगर कैसे पेशेंट होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हर हॉस्पिटल, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एक मैंडेटरी है, तो उसके तहत उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने की कोशिश करी। ऐसे मदान पैथला ने कहा है कि आज की डेट में 1000 पेशेंट में से अगर किसी भी पेशेंट को, लेट से कि 200 को, 300 को कोई भी टेस्ट रिकमेंड करेंगे, चाहे वो उसकी कॉस्ट 1000 है, चाहे उसकी 5000 है, वो आज की कैंप में जो पेशेंट रजिस्टर्ड होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे।